ऐसे कुछ फर्जी लोग भी होते हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, सारे आतंकवादी एक साथ बहुत अच्छे। ये है ना, इस फोटो पर कमेंट है जिसमें 50 बहुजन नायकों की फोटो लगी हुई है। नेपाल में ठंड से बचने के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक ये हमारी हुडी है और एक ये पैंट है। मुझे लग रहा है मुझे लखनऊ से कपड़े वपड़े खरीदने पड़ेंगे। मेरे पास जितने भी पैंट थे ना, वो पता नहीं क्या हुआ यार, इसी महीने में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया सब में। कोई फट गया, किसी की चेन खराब हो गई। पता है मैंने आज ड्रोन देखा उड़ता हुआ एक अपनी टंकी के ऊपर, कोई उड़ा रहा पीछे आस पास, कोई उड़ा रहा होगा कोई तो पता है जैसे जोमेटो को सामान आता है ना, आने वाले टाइम पे ड्रोन लेके आया करेंगे। इसकी परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने कि आप डेवलप करो, मतलब टाइम लगेगा लेकिन ये सब देखने को मिलेगा। तो मैं एक ड्रोन ले लिया, ले देना। क्यों, घूमने जाएगी? नहीं, सामान ले आएगा ना मेरे लिए। ये देखो, ये दिख रहा है आपको शूज, ये अभी लिया था मैंने। ये है ना अडोप का स्पार्क है, बाटा का स्पार्क है। खैर दोनों की हालत एक जैसी है, मतलब कंपनी तो बड़ी है लेकिन प्रोडक्ट रद्दी है। कैसे हो युगल भाई? हम लोग नेपाल जा रहे हैं, 7-8 दिन का ट्रिप है, तो अगर कोई स्पॉन्सरशिप दे सकता है, हम उसकी किसी कंपनी या प्रोडक्ट का इन 8-9 दिन जो है प्रचार कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, तो हमारा जो नेपाल का ट्रिप है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है आप उस पर, या एक टेलीग्राम नंबर दिया है वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम है ना इंडियन पोस्ट जा रहे हैं। पहले हम है ना 99% कुरियर जो है ना वो इंडियन पोस्ट से भेजते थे, पता है आपको? अच्छा। हाँ, लेकिन डेली की कहानी यही हुआ करती थी हमारी। लेकिन फिर क्या है ना, वो सब तो हम झेल लेते थे। समस्या वहाँ आई कि कुछ कुरियर जो है वो 20-20 दिन लेट डिले हो रहे हैं, कई कई तो एक एक महीना तक डिले हो रहा है। पता है भाई मैं आपको क्यों ले जा रहा हूँ? मुझे है ना नेपाल जाना है। ठीक है, डर क्यों रहे हो, बैठो ना। वो क्या है ना, नेपाल जाना है ना, तो रैपिड टेस्ट करवाना था। अच्छा, तो फिर मैं सोचा मैं अकेला क्यों करवाऊंगा, आपका भी करवाऊंगा। मेरा भी नहीं, मुझे नहीं है। नहीं, बाई चांस निकल आए तो पता तो चल जाए कि पता होना चाहिए ना। पता बड़ा ऑफिस बंद कर देंगे, चार्ज में बंद करो, लैश करो। तो बोल देंगे ना हम ऑफिस में है ना क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन कर रहे हैं ऑफिस में, आपको लॉक लगा के चले जाएंगे, हम नेपाल से लौटेंगे आपको निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं। ये हमारा पिन कोड है ग्वालियर का, जो हमारे इलाके के लिए पड़ता है 474011। इतनी सारी किताबें भेजी ना यहाँ से, इतनी सारी किताबें भेजी हैं कि यहाँ के लोग पहचानने लग गए। कई साल हो गए यार, मतलब मेरा जो पहली बुक जो फ्री में गिव अवे किया था ना, वो यहीं इसी पोस्ट ऑफिस से भेजना स्टार्ट किया था मैंने। आप भी करा लो ना टेस्ट, क्या दिक्कत है? मैंने 2 वैक्सीन लगवा ली। अरे तो क्या हो गया, पता तो चल जाएगा। क्या बात है, धर ले यहाँ पे। वैसे अस्पताल भी खाली चल रहे हैं, कहीं बेड आओ और हमारा ऑफिस बेचारा बंद हो जाए। आप नेपाल जा रहे हो, रैपिड टेस्ट हो रहा है क्या? अब नहीं हो रहा, बोल तो रहे थे 104 हो रहा है। जल्दी बंद हो गया, 3:30 बजे बंद हो गया। अरे यार, कल इनने बोला था मुझे कि 4 बजे तक आ जाना और आज बोल रहे 3:30 तक आ जाना। मैंने यहाँ सही चीज़ देखी है युगल भाई। क्या? हम इतने सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ पर 500 रुपये फीस लगती है। बिल्कुल। और यहाँ 10 रुपये लेते हैं। सही बात। और एक नहीं दो दो डॉक्टर को दिखा दो, एक वो आए थे बोले गले में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, दोनों डॉक्टर को दिखा लेना। और ये प्राइवेट में जाते तो 1000 रुपये तो फीस लग जाती है, और उससे ज्यादा की दवाई, मतलब 10 रुपये में दवाई भी मिल जाएगी जहाँ तक, फ्री में। हाँ, फ्री में दवाई। एक और खास चीज बताऊँ युगल भाई। क्या? जिन डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, वही डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। मैं अपने आई टेस्ट के लिए गया था, यही सामने वाले, तो मैंने कहा टेस्ट सर मुझे आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा देखा, बोले देखो यहाँ मशीनें अच्छी नहीं है, आप मेरे क्लिनिक पे आज शाम मैं वहाँ ये टेस्ट करता। अरे यार, 400 रुपये फीस थी उसकी। अच्छा, सेम चीज है ना, ऐसी है ना ब्रुजो के साथ हुई। ब्रुजो को लेके गया मैं, वहाँ पे था 10 रुपये फीस। बोलते यहाँ पे ठीक नहीं हो पाएगा, वो एक काम करना क्लिनिक ले आना, या फिर हम लड़का भेज देते हैं। लड़का भेजा उसने, तो उस लड़के ने 4 दिन में 1000 रुपये ले लिए, वहीं वो काम उनको 10 रुपये में करना पड़ता। बिल्कुल। तो ये हालत है भाई साहब, मतलब हम सब लोग मिलकर अगर सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाने लग जाए ना, तो मुझे लगता है ये यहाँ की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी, और क्या। तो हमारा दूसरा दिन भी बर्बाद हो गया, रैपिड टेस्ट नहीं हो पाया हमारा। एक तो है ना हमारा जो UPS है ये बहुत बेहतरीन वाला है, और इसमें है ना हमने इतने सारे प्लग लगा दिए जितने लगाने नहीं चाहिए।
तो हम है ना ये एक के साथ है ना दो ले आए थे, तो अब दो लगा के हमने देखे पूरा ये सॉकेटों से भर दिया है। एक आधे ऐसा ना हो जाए गुल भाई आग लग जाए, ध्यान रखना इसके ऊपर थोड़ा सा। बाबा साहब एक कैलेंडर है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहब का कंपैरिजन जो है ना शेर से नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर कंपैरिजन का क्या मतलब है पता है आपको? बाबा साहब ने फेमस डायलॉग मारा था पता है आपको, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ है। तो यहाँ पर है ना वही दहाड़ दिखाई गई है। बाबा साहब का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सबसे शिक्षित रहो। हम शिक्षा की बात नहीं करते, बाकी सबका कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि राजनीतिक होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, लेकिन शिक्षित बनो पहला था। अगर आप शिक्षित बन जाओगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए बाबा साहब ने शुरुआत में बोला था शिक्षित बनो, बाकी सारे काम बाद में। और आज देखिए आज है ना 20 दिसंबर है, आज ही के दिन 1956 में संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण हो गया था। और आपको अगर पढ़ना है ना मतलब बहुत सारे बहुजन महापुरुष हैं और उनमें से है ना हम बहुत कम लोगों को जानते हैं, लेकिन एक हमारे पास किताब है 50 बहुजन नायक जो शोक भाई ने लिखी थी। अब यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे संत गाडगे बाबा। 23 फरवरी 1876 में इनका जन्म हुआ था और 1905 में इन्होंने घर परिवार त्याग दिया था। वो दलित बस्ती में चले गए, पूरी बस्ती में कूड़े के ढेर थे, बस्ती के लोग सफाई का महत्व समझाते हुए स्वयं बस्ती की सफाई में जुट गए, लोग भी उनका साथ देने लगे, शाम तक बस्ती चमक गई। क्या बात है। 1942-43 में गाडगे बाबा ने बाबा साहेब को शोषित पीड़ितों का उद्धारक कहा। गाडगे महाराज जब बीमार थे तो बाबा साहेब उनको अस्पताल में जाकर उनको शॉल उड़ा के सम्मानित किया था। एक चीज तो समझ आती है कि हमारे जितने महापुरुष है ना वो आपस में कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं। आप संत गाडगे महाराज को देख लो या पेरियार को देख लो, बाबा साहेब को देख लो, अगर वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के थे तो वो मिलते थे। और अंकित कैसे हो? बढ़िया। मैं कैमरा लेके बैठा था, तुम कब आओ तो मैं एंट्री की वीडियो बनाऊ तुम्हारी। ये देखो ब्रूजो का हक मारा जा रहा है बेचारे का आधा गद्दा। क्यों बस चलो दोनों मुर्गा मुर्गी डांस करेंगे, 1 2 3 मुर्गा डांस। ब्रूजो के जलवे हो गए आज तो। नेपाल का टेम्परेचर काठमांडू में इस समय 8 डिग्री। अच्छा ग्वालियर का टेम्परेचर? ग्वालियर में फिलहाल तापमान 8 डिग्री है। देख रहे हो मैं कह रहा हूँ आपको ग्वालियर की ठंड जो है ना बहुत ही ज्यादा कड़ी पड़ती है। और है ना हमें नेपाल में पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि वो अब्रॉड है तो वहाँ पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, बट ना वहाँ के रूल थोड़े से अलग है। हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड लेकर जाना होगा और वो भी सिर्फ बॉर्डर पे दिखाना पड़ेगा। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है यार, आप लोगों का थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है इंस्टाग्राम आईडी मेरी नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं। मतलब देख रहे हो 9825 लाइक, क्या बात है, 2500 लाइक, 9192 लाइक, कुछ घंटे पहले डाला है मैंने इसको, 1300 लाइक। कमेंट देखिए आप लोगों के, मतलब कमेंट कितने शानदार आते हैं। ऐसे कुछ फर्जी लोग भी होते हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, सारे आतंकवादी एक साथ बहुत अच्छे। ये है ना इस फोटो पर कमेंट है जिसमें 50 बहुजन नायकों की फोटो लगी हुई है। आप इनमें से ना एक व्यक्ति मुझे दिखा दो जो हिंसा में विश्वास रखता हो, जो आतंक फैलाने में जिसमें माहिर हासिल की हो, या जिन लोगों ने इन पर है ना अत्याचार किया हो, ये उनके खिलाफ तो कुछ गलत नहीं बोलते यार। बाबा साहब ने संविधान लिखा, आप उनकी वेटिंग फॉर वीजा किताब पढ़ना जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो 6 ऐसी परिस्थितियां जिनमें वो रोने लग गए थे और सोचने लग गए थे कि किस देश में पैदा हो गया मैं। उसके बाद भी संविधान में सबको बराबरी का हक है। कहाँ से आते हो आप लोग यार, क्यों इस तरह की हेट फैला रहे हो? ये सोशल मीडिया में जो हेट है ना ये ऐसे लोगों के कारण ही फैली है, और यही कारण है कि मुझे ना लोगों को बताना है एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया था। जिस तरह से मिसकंसेप्ट आपके दिमागों में लोगों ने बना दिया है ना उसको क्लियर करना है, इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।